ठाणे जिला क्रिकेट एसोसिएशन व भिवंडी तालुका क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा पद्मश्री पांडुरंग धर्माजी तथा अन्ना साहेब जाधव के जन्म शताब्दी के अवसर पर भिवंडी शहर के BNN कॉलेज ग्राउंड का उद्घाटन कई मान्यवरों के हाथों संपन्न हुआ, जहां पर मान्यवरों ने जानकारी दी कि भिवंडी शहरी व ग्रामीण भागों में आजकल युवा वर्ग टेनिस क्रिकेट खेल कर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जिसे देखते हुए हमने यह सीजन क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन किया है, जहां पर क्रिकेट खिलाड़ी यहां आकर सीजन क्रिकेट खेल सकते हैं। इस अवसर पर भारत के टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी गुलाम परकार, ठाणे जिला क्रिकेट एसोसिएशन सचिव सुधाकर सेट्टी, BNN कॉलेज ट्रस्टी विजय जाधव, प्राचार्य अशोक बाघ, डॉक्टर हम्माद मोमिन, प्रमोद पाटिल सहित कई मान्यवर उपस्थित थे। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ठाणे जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हुसैन सरगुरु और उनकी टीम ने अथक प्रयास किया। सर, यहाँ पर जो मैच का आयोजन किया गया है, इस मैच के बारे में बताइए और किस संस्था के द्वारा ये मैच का आयोजन? ये मैच का आयोजन जो है वो ठाणे जिला क्रिकेट एसोसिएशन और भिवंडी तालुका क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से है, लेकिन ये जो ग्राउंड है ये पद्मश्री अन्ना साहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल के BNN कॉलेज का है। ये BNN कॉलेज के जो फाउंडर थे पद्मश्री अन्ना साहेब जाधव, इनका जन्म शताब्दी महोत्सव चालू है। ये 9 सितंबर 21 से लेकर 9 सितंबर 22 तक ये एक साल मनाया जाएगा, और इस साल के दौरान ये जो मौका हमको मिला है और ये ग्राउंड के ओपनिंग के लिए प्रकार साहब हमें प्राप्त हुए, इसका हमें बहुत आनंद हो रहा है। और ये जो है भिवंडी में और भिवंडी के इधर उधर के जो बच्चे लोग हैं उनके भवितव्य के लिए है। ये जो है भिवंडी में सीजन का बहुत कम चलता है क्रिकेट, और टेनिस वाला ज़्यादा चलता है, लेकिन जब से हुसैन भाई हमको मिले हैं वो बोलते हैं टेनिस ख़त्म करो और सीजन का काम चालू करो। और ये जो है अपने जो बच्चे हैं, ये बच्चे अपने कॉलेज का नाम, अपने भिवंडी का नाम पूरा इंटरनेशनल करेंगे, इसका मुझे ये खतरी है। सर, भिवंडी सर शहर में बहुत अच्छा स्टेडियम बना, परशुराम तावड़े स्टेडियम, जो सीजन के लिए किया गया था, और आज BNN कॉलेज में भी ये कार्यक्रम हो रहा है, तो क्रिकेट को आप किस तरह से देखते हैं? मैं गुलाम पाकर मुंबई और इंडियन टीम को खिला हूँ, और मैं भिवंडी की एक क्लब है मोमिन स्पोर्ट क्लब, वो टीम से भी मैं खेला हूँ यहाँ पे थाने में सेंट्रल मैदान में। तो यहाँ पे जो अभी ग्राउंड बनाया है इन्होंने, तो ये लोकल बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। हुसैन भाई जो जुड़े हुए हैं इनके साथ में, उनकी पहुँच बहुत बड़ी है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में भी है, जो मैनेजिंग कमेटी है उसमें भी पहचान है, और मैं भी अभी मुंबई रणजी ट्रॉफी का सेलेक्टर बना हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बच्चे खेलेंगे ज़्यादा और आगे निकल के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लब में है, स्कूल है, कॉलेज है, इसमें सीजन बॉल से क्रिकेट खेलना है, क्योंकि वही आपका फ्यूचर होगा, क्योंकि वहाँ से खेल के क्लब में और यूनिवर्सिटी में भी खेल सकते हैं कॉलेज के ज़रिए, तो उनका करियर बड़े तौर पे आगे जाने पे मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ पे मेहनत करेंगे, और मैं भी यहाँ क्रिकेट सिखाने के लिए आऊँगा मैं यहाँ पे, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ के बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे।